आजादी के 70 साल होने के बावजूद आज भी आम जनता मूलभूत सुविधा से वंचित है। जी हां, मामला है छत्तीसगढ़ के कोयली बेड़ा के पंखाजुर तहसील अंतर्गत ग्राम कंदाड़ी पंचायत का, जहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। सरकार कितने भी दावे कर ले, सब दावे क्षेत्र के लिए टाए टाए फिस हैं। हर क्षेत्रों में आम जनता के लिए भले ही अनेकों योजनाओं को लागू किया गया है, प्रशासन के कुछ विभागों में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है। उनमें से स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है। आपको बता दें कि आज प्रसव से पीड़ा उठाने वाले कंदारी गांव की एक महिला बनीता कचलामी कोटरी नदी के उस पार से आई है, जिसको प्रसव पीड़ा के दौरान बांदे अस्पताल में लाना था, पर 102 की लापरवाही के चलते गांव के लोगों द्वारा महिला को खटिया में लादकर नदी के इस पार लाया गया। 102 को 4 बार फोन लगाने के बाद भी नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने महिला को लेकर नदी के इस पार इंतजार के 2 घंटे बाद 102 पहुंचाई, फिर महिला को बांदे अस्पताल तक पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। कांकेर जिले से बोल रही हूँ। कम से कम 2-3 बार कॉल कर चुकी हूँ, अभी तक की गाड़ी नहीं आया है। जी हाँ, ये ब्लॉक क्या है आपका? पखांजूर, कोयली बेड़ा पखांजूर। नाम क्या है आपका? श्रीमती मैनिका चलामी। श्रीमती मैनिका? मैनी जी। मैनिका जी? मैनी। मैनी क्या? सरपंच चलामी। सरपंच नाम है जी। जी 4 बार हो चुका है कॉल करके। तो आपके लिए तो एम्बुलेंस निकल चुकी है। पखांजूर थी मनीता जी नाम था इसमें जी, और पेशेंट का नाम वनीता। कुंडा गाँव कंदाड़ी है। कंदाड़ी कंदाड़ी बोली थी। कंदाड़ी गाँव और बेटा घर बेचा घाट। एम्बुलेंस निकल चुकी है, इंतजार करेंगे, धैर्य बना के रखेंगे। आपकी एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस अधिकारी से बात हुई थी कि नहीं? जी हुई थी, लेकिन वो तो बोल रहे हैं 1 घंटा लेट है, आ रहे हैं करके बोल रहे हैं। सर मैम, इतना अगर लेट होते रहेगा फिर धैर्य बना के रखेंगे। हाँ तो कोई मतलब वहाँ दूरी होगी, फिर 1 घंटा लगेगा बोल रहे हैं। कहाँ मैम, यहाँ 15 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, मैं बात करवा रही हूँ। जंगलू राम कचला में। कौन सा गाँव? पंदाड़ी गाँव। कौन सा पंचायत का है? ये कंदाड़ी पंचायत। क्या परेशानी है इनको खटिया में लेके जा रहे हैं? 2 दिन से बीमार है, उसी के लिए लेके जा रहे हैं। कॉल करने से भी नहीं आता है। कौन नहीं आता है कॉल करने से? वो 108। 108 नहीं आते हैं? कॉल किए थे? किए थे सुबह, लेकिन नहीं लगा, नेटवर्क नहीं। नेटवर्क नहीं है तो क्या बोलना चाहते सरकार को? क्या बोलेंगे, यही हालत में धो के लेना पड़ता है। मंगूराम पद्दा। कौन सा गाँव? हालदाड़ी। क्या हुआ इनका, परेशानी लेके जा रहा है इसको? सर डिलीवर होने नहीं सक, डिलीवर होने का समस्या है। कब से? कल से मान के चल आज तक 2 दिन हो रहा है। एक रात हुआ है, कल से 4 बजे से शुरू है। तो डॉक्टर रहने से हम लोग डॉक्टर को दिखा था, डॉक्टर नहीं है हमारे इधर। क्या है नदी का कारण में पुजारी लोगों को दिखाना पड़ता है। तो डॉक्टर का मितानिन तरफ से कोई खबर किया है? मितानिन को बोले हैं, वो आके गोली उली दिया है। उतना बड़ा गोली तो उसके पास नहीं रहता है, हल्का फुल्का रहता है। लेकिन वो क्या है, उसका पास अच्छा दवाई रहने से उसी में भी हो जाता है, लेकिन हल्का दवाई जैसा है उसके पास। तो आप क्या मांग करते हैं सर? सर डॉक्टर का चाहते हैं? हम लोगों को मांगना है कि हमारे नदीस्पर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। हमको डॉक्टर बिना नहीं हो पाता है। ऐसा परेशानी रोज होते जाता है? रोज होते जाता है। अभी थोड़ा पानी कम है, इसलिए इसी ढोह के भी पार कर सकते हैं। पानी ज़्यादा है होने से ना हम लोगों को बहुत परेशानी होता है, नाव में पार करना पड़ता है मरीज लोगों को। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.